हेलो नमस्कार। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। गिव द करेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फ्लोइंग गैसेज, कुछ गैसेज दिया है इसका करेक्टरिस्टिक टेस्ट करना है। सबसे पहले है CO2, CO2 का करेक्टरिस्टिक टेस्ट कैसे करेंगे इसके लिए देखिए, आप ध्यान से अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले देखिए कि CO2 को हम लोग लाइम वाटर के साथ पासिस करेंगे तो ये टर्न हो जाएगा मिल्की कलर का, मिल्की कलर मीन्स वाटर टाइप का बन जाएगा। तो देखिए वेन SO2 को हम लोग लाइम वाटर के साथ मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करते हैं तो एक कैल्शियम कार्बोनेट देता है और इसमें वाटर देता है, ठीक है, जो कि मिल्की कलर के यहाँ बन जाता है वाइट कलर का, ठीक है। तो ये आप लिखिएगा पहला। और दूसरा कह रहा है कि इफ गैस इज आ एक्सेस, यदि गैस को हम एक्सेस पास करते हैं तो मिल्की कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है ड्यू टू द इनसोल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसमें एक्सेस अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो ये जो है डिसकलर हो जाता है ड्यू टू इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो ये आप इतना अच्छा से लिख देते हैं CO2 का करेक्टरिस्टिक तो आपका फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लीजिए कि देखिए लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो ये मिल्की कलर के हो जाता है मिडेड वाइट कलर और प्लस में वाटर देता है, जब एक्सेस अमाउंट में जब पास करते हैं तो ये डिसकलर हो जाता है क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रो मिक्सड बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी दोनों बोल सकते हैं, तो डिसकलर हो जाता है। तो ये लिखिएगा दूसरा है SO2 का देखते हैं करेक्टरिस्टिक टेस्ट SO2। देखिए करेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ SO2 क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग करेक्टरिस्टिक टेस्ट कैसे करेंगे। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे, क्या करेंगे, मॉइस्ट करेंगे थोड़ा सा गीला करेंगे और इसको टर्न करेंगे तो ये टर्न कर देगा, जब लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो ब्लू लिटमस को ये रेड कर देगा क्योंकि SO2 एक नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये एसिडिक नेचर का होता है तो ब्लू लिटमस से रेड कर देगा। दूसरा करेक्टरिस्टिक है कि SO2 टच एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सॉल्यूशंस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, जब हम पोटेशियम डाइक्लोरोमेट पोटेशियम डाइक्लोरोमेट में पास करेंगे जो कि होता है ऑरेंज कलर का, पोटेशियम डाइक्लोरोमेट वो ऑरेंज कलर का होता है, जब इसमें हम SO2 और सल्फ्यूरिक एसिड SO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करवाते हैं तो डिसकलर कर देता है, ग्रीन कलर, जो क्रोमियम सल्फेट बनता है प्लस में पोटेशियम सल्फेट बनता है प्लस में यहाँ वाटर भी देता है। तो आप इतना रिएक्शन लिखिएगा, इसको एक दो बार रिवाइज कीजिए। और दूसरा जो कि ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर बने, इसी में दूसरा एक और टॉपिक है कि जब SO2 हम एसिडिफाइड पोटेशियम परामैग्नेट, आप क्लास 9 में पोटेशियम परामैग्नेट के बारे में पढ़े हैं जो कि पर्पल कलर का होता है, कैसा होता है, पर्पल कलर, ठीक है, इसके जब रिएक्शन करता है तो पोटेशियम परामैग्नेट प्लस SO2 ये SO2 प्लस H2O जब ये रिएक्शन करता है तो एक कलरलेस बना देता है। देखिए यहाँ बिन पासिस करो एसिडिफाइड पोटेशियम परामैग्नेट पिंक मीन्स पर्पल भी बोल सकते हैं ना, पर्पल या पिंक है ना, पिंक टू कलरलेस, तो ये सब बना देता है, सब ये कलरलेस बन जाता है,
सभी कंपाउंड्स कलरलेस बन जाता है। तो ये आप SO2 में इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज सही रहनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या कहता है कि व्हेन ए बुडेन स्प्लिंटर इज ब्राउट नियर द माउथ ऑफ गैस जार कंटेनिंग ऑक्सीजन गैस इट बर्न ब्राइटली एज ऑक्सीजन इज सपोर्टेड टू द कंडेंसर। एक कहता है कि जब हम किसी भी कैंडल को जलाकर या बुडेन का लकड़ी का कुछ जला हुआ है, ठीक है, स्प्लिंटर में जल रहा है, स्प्लिंटर बुडेन स्प्लिंटर मतलब जला हुआ लकड़ी का रहता है, ठीक है, तो स्प्लिंटर तो उसको जल रहा है और उसके सामने हम ऑक्सीजन को जार ले जाएंगे तो जल्दी से जलेगा, फास्ट जलेगा, ठीक है, उसका लाइट जो होगा तेज़ी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट देता है, वो लाइट जितना जल रहा है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। अगला है कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस बर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द पॉप साउंड। जब ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन जब बर्न करता है एयर या ऑक्सीजन के साथ तो एक पॉप साउंड रिलीज करता है तो हम पता कर लेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो पॉप साउंड जब भी कोई कैंडल या कुछ भी लाएंगे हाइड्रोजन के पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड आवाज़ करेगा, पट 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 जैसा देखेंगे आवाज़, ठीक है। वाला जब आप दिवाली में वो पटाखा छोड़ते हैं ना तो पुट 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 करता है ऐसा वाला, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन को आप रोक कर पॉज करके फिर एक क्वेश्चन को डिवाइड कर लीजिए। थैंक यू, अच्छा लगे तो लाइक।